नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम IBPS PO की लेटेस्ट सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप सैलरी स्लिप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न्यू जॉइनी की सैलरी स्लिप है। जब आप कोई भी बच्चा जब ज्वाइन करता है IBPS PO किसी भी बैंक में, तो जो पहली सैलरी मिलती है उसको, वो सैलरी स्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए, बेसिक पे मिलती है 36,000, DA मिलता है 8,500, HRA मिलता है 3,200, CCA मिलता है 1,400, स्पेशल अलाउंस मिलता है 5,900, DA मिलता है 1,500 और लर्निंग अलाउंस मिलता है 600। तो ये सब टोटल मिला के आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है 57,200। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए 57,000 आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी एज ए IBPS PO जब आप ज्वाइन करेंगे। कुछ डिडक्शंस होते हैं आपके। प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपये, और NPS में आपका पैसा कटता है 4,400। तो टोटल डिडक्शंस आपके हो गए 4,659। तो ग्रॉस माइनस डिडक्शंस करेंगे तो आपकी नेट सैलरी आ गई, तो आपको नेट सैलरी मिलेगी 52,630। 52,600 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे हर महीने। ये आपकी नेट सैलरी है, और ग्रॉस सैलरी है आपकी 57,000। ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है। अब थोड़ा सा आपको और समझना है ये जो HRA का कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो HRA है बैंक में, एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट अकोमोडेशन फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग जहां भी होती है, तो वहां पर अगर आप फ्लैट लेते हैं या घर लेते हैं रेंट पर, तो उसका पैसा बैंक देता है। तो जैसे रूरल है या सेमी अर्बन एरिया, तो वहां पे बैंक 7,000 रुपये आपको देगा रहने के लिए। अर्बन एरिया में 12,000, मेट्रो एरिया में 15 से लेकर 20,000 रुपये मिलते हैं आपको रहने के लिए। लेकिन अगर आप ये लीज अकोमोडेशन फैसिलिटी लेंगे, तो फिर आपको HRA नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप HRA देख रहे थे 3,000 रुपये, तो वो HRA आपको नहीं मिलेगा, आपको लीज अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगी। तो आप जोड़ लीजिए, अगर मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग है, तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे रहने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल आपको मिलेगा 40 लीटर बाइक के लिए, 60 लीटर कार के लिए। एंटरटेनमेंट आपको मिलता है 750 रुपये, न्यूज़पेपर मिलता है 325 रुपये, क्लिनजिंग अलाउंस है आपका 1,000, क्वार्टरली मिलता है ये। ब्रीफकेस अलाउंस है 1,500 रुपये, फर्नीचर अलाउंस आपको मिलता है 1,50,000 रुपये। ये फर्नीचर परचेज करने के लिए आपको मिलता है एक बार, जैसे घर का सोफा वगैरह, AC वगैरह आप परचेज कर सकते हैं इससे। मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है 12,000 रुपये, ये ईयरली है, हर साल आपको 12,000 रुपये मिलेगा, ताकि आप अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। मेडिकल कवर ऑफिसर को 5,00,000 रुपये का मेडिकल कवर मिलता है। अगर कभी आप हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होते हैं, तो आपका कैशलेस इलाज हो सकता है उससे। तो अगर हम ये सारे अलाउंसेज और HRA वगैरह जोड़ें, लीज अकोमोडेशन वगैरह जोड़ें, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी जाएगी वो जाएगी 57,200। तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। मेट्रो सिटी में आपको 20,000 लीज मिलेगी, 4,000 आपका पेट्रोल हो गया बाइक का, है ना, 100 के आसपास आजकल पेट्रोल चल रहा है, 750 आपका एंटरटेनमेंट हो गया, 325 आपका न्यूज़पेपर हो गया। तो ये सब मिलाकर आपको मिलेगा 82,300, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है आज के टाइम पर। तो कोशिश करिए कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका IBPS PO क्वालिफाई हो जाए। अगर हम करियर ग्रोथ और प्रमोशन की बात करें, तो आप ज्वाइन करेंगे एज अ PO, तो PO को बोलते हैं Scale 1, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। प्रमोशन होकर आप बन जाएंगे Scale 2 मैनेजर, फिर Scale 3 सीनियर मैनेजर, फिर आप बनेंगे Scale 4 चीफ मैनेजर, फिर आप बनेंगे Scale 5 AGM। यहाँ से आपको भारत सरकार की गाड़ी मिल जाएगी और एक ड्राइवर मिल जाएगा। इसके बाद आप बनेंगे Scale 6 DGM, फिर Scale 7 GM, फिर आप बनेंगे ED और फिर MD। MD हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी बैंक की। तो उम्मीद है आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है सैलरी में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप सैलरी देखें, तो आज के टाइम पर ये बहुत अच्छी सैलरी है, और बैंक की जॉब भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा प्रेशर है, प्रेशर तो हर जॉब में है, अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करें तो बहुत ही कम प्रेशर है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा अगर आप सैलरी स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।